अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू हानियाज किचन। आज देखिए मैं आपके लिए जो बना रही हूँ डिश वो इट इज़ बेसिकली रोस्टेड चिकन इन वाइट सॉस। सो ये बेसिकली उन लोगों के लिए है जैसे जो हम हमेशा जो एशियन स्टाइल की कुकिंग करते हैं विद लॉट्स ऑफ स्पाइसेस। तो अगर आपको इससे हटके कुछ खाना हो तो आप इसे ज़रूर बनाइए, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी है। एंड विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर जो है चिकन ले लिया है, करीब 1.25 किलो चिकन है। एंड ज़्यादातर जो है मैं इसके लिए प्रेफर करती हूँ कि हम चिकन की थाइस को यूज़ करें। एंड उसमें हम थोड़ा सा मैरिनेशन लगा देंगे। सबसे पहले जिंजर गार्लिक पेस्ट यानी अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने 3 बड़ा चम्मच ले लिया है, साथ ही इसके अंदर 2 बड़ा चम्मच मैं लेमन जूस डाल रही हूँ। और नेक्स्ट हम इसके अंदर थोड़े मसाले डाल देते हैं, यानी नमक है, चिली फ्लेक्स है एंड काली मिर्च का पाउडर है। जितने भी मसाले की जो लिस्ट है क्वांटिटी के साथ मैं आपको इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी एंड स्क्रीन पर भी मैं इसे शो कर रही हूँ, सो नथिंग टू वरी। अब हमारा जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट इसमें जाएगा वो है 3 बड़ा चम्मच तेल। बस ज़्यादा हमें कोई बहुत ज़्यादा इसमें मैरिनेशन नहीं लगाना है, बस ये थोड़े से मसाले आप इसमें लगा दीजिए चिकन में एंड करीब 4 to 5 आवर्स जो है आप चिकन को मैरिनेट हो जाने दीजिए। अच्छा, वंस हमारा मैरिनेशन का प्रोसेस पूरा हो गया है हम चिकन को रोस्ट कर लेंगे। उसके लिए मैं एक पैन में थोड़ा सा तेल डाल देती हूँ, करीब 6 से 7 बड़ा चम्मच तेल है। एंड इसके साथ में मैं 2 बड़ा चम्मच बटर ले रही हूँ। नाउ बटर इज़ माय पर्सनल चॉइस, आप अगर बटर ना डालना चाहें तो प्लीज़ आप मत डालिए बटर, आप तेल थोड़ा सा क्वांटिटी बढ़ा दीजिए उसके अंदर, कोई इशू नहीं है। बटर डालना कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, सो आप चाहें आप कम्प्लीटली तेल ही ले लें। और उसके बाद में हम चिकन की पीसेस को इसमें रख देंगे। हम मीडियम लो फ्लेम पर चिकन को हम कम्प्लीटली कुक कर लेंगे और हम देखेंगे कि उसमें एक अच्छा सा कलर भी आ जाए। तो मैं अभी इसे ढक देती हूँ एंड हम वेट करेंगे जब तक हम इसे एक बार और टर्न ना कर लें। अब देखिए जैसे हम देख सकते हैं कि चिकन के पीसेस कुछ थोड़े से श्रिंक भी हो गए हैं। एंड आप देख सकते हैं जैसे मैंने उसे टर्न करना शुरू कर दिया है कलर बहुत अच्छा आया है। मैरिनेशन हमारा 4 से 5 घंटे का था तो इंशाल्लाह चिकन जो है वो जल्दी से पक जाएगी, ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा चिकन पकाने के लिए। अब मैंने इसे एक बार टर्न कर दिया है, मैं इसे फिर से ढक देती हूँ और अगेन इस तरफ भी हम करीब 5 से 6 मिनट इसे पका लेंगे। अब ये देखिए 5 से 6 मिनट तो हो गए मुझे इसको पकाते हुए एंड मैं ज़रा इसको चेक कर लेती हूँ कि ये कुक हुआ है कि नहीं। कितनी ईजिली, जैसे आप देख सकते हैं कि मेरी नाइफ़ जो है कितनी ईजिली चिकन के मीट में ग्लाइड हो गई। अब ये काम हो चुका है हमारा, हम इसे साइड में कर लेंगे एंड हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ देखिए मैंने कुछ वेजीज काट के रखी हुई हैं। सो हम एक काम करते हैं, एक बड़ा सा पैन ले लेते हैं और उसके अंदर हम करीब 3 बड़ा चम्मच ऑयल ले लेंगे। एंड अगेन मैंने इसके अंदर थोड़ा सा बटर लिया है, आपको ना लेना हो तो प्लीज़ आप बटर मत लीजिए, आप 4 से 5 बड़ा चम्मच तेल ले लीजिए। और अब मैं इसके अंदर चॉप्ड गार्लिक डाल रही हूँ। चॉप्ड गार्लिक डालने के बाद में आप इसे अच्छे से भून लीजिए। देखिए कुछ खानों में मैं बटर डालना पसंद करती हूँ, ये मेरा पर्सनल चॉइस है। आप अगर आप नहीं डालना चाहें तो प्लीज़ आप तेल डाल के आप खाना बिल्कुल बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अच्छा, जैसे हमारा लहसुन जो है थोड़ा सा ब्राउन होना स्टार्ट होगा हम उसके अंदर ऑनियन डाल देंगे। और जैसे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ 2 ऑनियन लिया था मीडियम साइज़ का और मैंने इसे छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिया है। और जैसे हल्का सा हमारा ऑनियन जो है ट्रांसलूसेंट होना शुरू होता है, यानी हल्का सा वो गुलाबी होता है, तो हम इसके अंदर मशरूम डाल देंगे। मशरूम डाल के हम इसे 3 से 4 मिनट पका लेंगे। और नेक्स्ट मैंने इसके अंदर कैप्सिकम डाल दिया है। कैप्सिकम को अगेन हम 2 मिनट तक भून लेंगे। ये सब हमें हाई फ्लेम पे करना है। और अब जैसे आप देख सकते हैं ये जो चिकन का मैरिनेशन बचा हुआ था मैं वो इसके अंदर यूज़ कर रही हूँ, बिकॉज देखिए वैसे भी वो क्योंकि लेफ़्ट ओवर मैरिनेशन है उसे हम फेंक ही देंगे, तो माइट इज़ वेल हम उसमें अपने वेजीज में डाल सकते हैं बिकॉज़ उसमें ऑलरेडी मसाले काफ़ी हैं। अच्छा, मैं नमक मैं इसमें थोड़ा सा और डाल रही हूँ बिकॉज़ हमारे सब्जियों को भी नमक की ज़रूरत है। थोड़ा सा हम इसमें सीजनिंग डाल देंगे, यानी मैं इसमें थोड़ा सा चिली फ्लेक्स और थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर इसमें डाल देती हूँ। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए एंड सबसे लास्ट में मैं इसमें टमाटर डालूँगी बिकॉज हमें टमेटोज़ को ज़रा भी कुक नहीं करना है। और जैसे आप देख रहे हैं टमेटोज़ को मैंने इसकी सीड अलग कर लिया है, यानी उसकी जो बीज होती है मैंने वो अलग कर लिया है और सिर्फ उसका जो फ्लैश का पार्ट होता है हम बस वो इस्तेमाल करेंगे।
अब नेक्स्ट हम इसके अंदर एक बड़ा चम्मच लेमन जूस डाल देंगे और साथ ही ये ऑप्शनल है, मैं इसके अंदर 1/4 टीस्पून जो है, 1/4 टीस्पून मैं इसके अंदर ओरिगैनो डाल रही हूँ। आप चाहें तो मिक्स्ड हर्ब्स भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास है। और हमारा जो है वेजीज तैयार है। अब हम फाइनल हमारे सॉस की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हम वाइट सॉस प्रिपेयर करेंगे क्योंकि हम चिकन एंड वाइट सॉस बना रहे हैं। तो मैंने 4 बड़ा चम्मच बटर, अभी मैंने 3 डाला हुआ है, एंड उसके साथ में मैंने 4 बड़ा चम्मच ऑल पर्पस फ्लावर यानी मैदा ले लिया है। और जैसे आप देख रहे हैं, मैंने जैसे इसे भुना शुरू किया तो मुझे लगा कि मेरा बैटर जो है थोड़ा सा ड्राई है, तो मैं 1 चम्मच बटर इसमें और डाल देती हूँ। मतलब हमें जो है इक्वल अमाउंट्स यूज़ करने होते हैं। 4 टेबल स्पून अगर हमारे पास बटर है तो फिर 4 टेबल स्पून हमें मैदा भी लगेगा। तो मैंने बटर थोड़ा सा कम लिया था, इसलिए मैंने थोड़ा सा बटर और डाल दिया है। अब मैं इसे करीब 2 से 3 मिनट अच्छे से मीडियम फ्लेम पर भून लूँगी। और अब मैं इसमें मिल्क शामिल कर देती हूँ, मतलब मैं इसमें दूध डाल रही हूँ। मैं थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी करके दूध डाल रही हूँ और विस्क की हेल्प से मैं इसे मिक्स करती जा रही हूँ, सो दैट कोई लम्स ना पड़े। आप थोड़ा थोड़ा दूध डालिए और विस्क की हेल्प से इसे मिक्स करते रहिए और अच्छा सा एक वाइट सॉस तैयार हो जाएगा इंशाल्लाह। स्टार्टिंग में इनिशियली तो आपको लगेगा कि वो काफ़ी रनी है आपका सॉस, पर जैसे वो एक बॉईल आएगा उसके अंदर इंशाल्लाह वो भी थिक हो जाएगा। जितना मैंने बटर एंड मैदा लिया है, पूरा 1 लीटर दूध हमें इसमें लग जाता है, तो 4 टेबल स्पून मैदे के पीछे हम 1 लीटर दूध लेंगे। अच्छा, नेक्स्ट मैं इसके अंदर सॉल्ट एंड वाइट पेपर डालती हूँ। अगर वाइट पेपर ना हो आपके पास तो आप ब्लैक पेपर भी डाल सकते हैं। और अब मैंने इसके अंदर 2 क्यूब चीज़ डाल दी है। और उसके बाद आप जो भी चीज़ चाहें आपकी पसंद की, आप मोज़रेला ले लें, प्रोसेस चीज़ ले लें, जो भी आपकी चॉइस हो आप वो चीज़ इसके अंदर ऐड कर लें। नेक्स्ट मैंने इसके अंदर थोड़े से मिक्स्ड हर्ब्स डाल दिए। अब जैसे आप देख सकते हैं कि हमारा जो सॉस है वो काफ़ी अच्छा थिक हो गया है। अब मैं इसके अंदर 1/2 कप के करीब क्रीम, फ्रेश क्रीम ऐड कर देती हूँ और इसे मैं मिक्स कर लूँगी। अब जो है हमारा सॉस भी कम्प्लीटली रेडी है। जब हमारा सॉस एक बार बॉईल होके थिक हो जाए ना, तो लास्ट में आप इसमें क्रीम डाल के इसे बंद कर दीजिए। अब हमारा फाइनल स्टेप ये है कि हम सब चीज़ को इकट्ठा कर लेंगे। तो यहाँ मैंने एक बेकिंग डिश ली है एंड मैंने उसको बटर कर लिया है। अच्छा, ये पोटैटो है ये 1/2 बॉइल्ड है, यानी कम्प्लीटली बॉइल्ड नहीं है, थोड़े से सख्त हैं टूवर्ड्स द मिडल। तो ये पोटैटोज़ को मैं बेस पे लाइन कर दूँगी, यानी हमारा जो बेकिंग डिश हमने लिया हुआ है उसमें सबसे नीचे का लेयर जो है हम आलू का लगा देते हैं। आलू का लेयर जैसे हमारा हो जाए, अब आप इसमें चाहें थोड़ी सी सीजनिंग डाल लें, बिकॉज़ कभी कभी लोग कहते हैं कि आलू जो है काफ़ी ब्लैंड होता है, फीका होता है इन टेस्ट, तो आप थोड़ा सा नमक और थोड़े से मिक्स्ड हर्ब्स उसके ऊपर स्प्रिंकल कर लें। अब ये जो हमने सब्जियां जो है तैयार करके रखी थी, जो हमने वेजिटेबल्स कुक किए थे, उसका हम एक लेयर आलू के ऊपर लगा देंगे। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा कि हम जो हमने चिकन रोस्ट करके रखी हुई है, हम चिकन का लेयर इसके ऊपर, यानी हम वेजिटेबल्स के ऊपर हम चिकन रख देंगे। ये देखिए, मैंने यहाँ चिकन की भी एक लेयर लगा दी है। अब फाइनली मैं इसके ऊपर जो हमने वाइट सॉस प्रिपेयर किया था, हम इसके ऊपर एक अच्छा सा लेयर वाइट सॉस का लगा देंगे। अब इसे हम ऊपर से थोड़ा सा और चीज़ डाल देंगे। मैं यहाँ पे थोड़ा सा मोज़रेला डाल रही हूँ और मैं इसे बेक कर दूँगी करीब 200 डिग्रीज पर 15 मिनट्स के लिए, ताकि हमारा आलू जो है वो अच्छा सा अंदर से कुक हो जाए एंड हमारी जो चीज़ है ऊपर से वो भी मेल्ट हो जाए। अब अगर आपके पास अवन ना हो तो यही काम आप आपकी कढ़ाई में कर सकते हैं। जिस बर्तन में मैंने चिकन कुक किया था, मैं उसी में जो है मैं आलू मैंने लाइन कर लिया है, और आलू का लेयर लगाने के बाद में मैंने उसमें वेजीज डाल दी हैं जितने हमने सब्ज़ियाँ पकाई थी, और उसके ऊपर मैं चिकन का लेयर लगा रही हूँ। एंड फाइनली जो है हम उसके ऊपर वाइट सॉस का एक लेयर लगा देंगे। वाइट सॉस हम अच्छा जेनरस अमाउंट वाइट सॉस पोर करेंगे और फिर अगेन उसके ऊपर चीज़ डाल देंगे और इसे मीडियम फ्लेम पर करीब 15 से 20 मिनट के लिए हम रख देंगे, ताकि हमारे आलू अच्छे से नीचे से लाल हो जाए और ऊपर से हमारी चीज़ मेल्ट हो जाए। अब देखिए, हमारा चिकन एंड वाइट सॉस कम्प्लीटली रेडी है। मैं इसे प्लेट कर लेती हूँ। सो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो आप लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा। वैसे मैं पर्सनली रेकमेंड करूँगी कि आप इस तरीके से एक बार चिकन ज़रूर बनाइए। बहुत मिनिमल हम इसमें मसाले यूज़ करते हैं, पर ट्रस्ट मी ये बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है।
अब ये देखिए, ये वो वाला है जो मैंने ओवन में बनाया था। इसकी ऊपर से जो कलरिंग हो जाती है थोड़ी सी हल्की सी गोल्डन, वो बहुत अच्छी लगती है। पर कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, मैंने आपको दोनों तरीके दिखा दिए हैं कि हम इसे कैसे बनाएं। आपको जो तरीका पसंद आए आप उस तरीके से बनाइए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली बार एक और बेहतरीन सी रेसिपी के साथ। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।